दोस्तों नमस्कार, आज बात करते हैं दक्षिण मुखी शॉप की। आमतौर पर यह जो शॉप होती है वो 10 फुट की होती है, चाहे 30 फुट गहराई में हो चाहे 40 फुट गहराई में हो। आपको अग्नि से नैऋत्य की लंबाई को नापना है, उसके 9 हिस्से करने हैं। ध्यान रहे कि आपका दुकान का द्वार जो है वो चौथे और तीसरे पद में आए। अगर दुकान बहुत सकड़ी है तो दूसरे पद में भी आ सकती है, लेकिन पहला पद जो है वहाँ दीवार या कोई फिक्स ग्लास होना चाहिए। आप पहले पद में द्वार देने का कोशिश न करना। अब आपने चौथे पद में द्वार दे दिया है, आप नैऋत्य कोने में पूरब मुखी बैठे हैं। ईशान कोने में पूरब की दीवार पर आपकी पूजा रूम है, उत्तर की दीवार पर आपके पानी पीने की व्यवस्था है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है और आपके जितने भी सेल्समैन हैं वो लाइन में आपके साथ बैठे हुए हैं, खड़े हैं। पूरब मुखी उनकी दृष्टि है, कस्टमर की दृष्टि जो है वो पश्चिम मुखी है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी जब दक्षिण मुखी दुकान होती है तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक डबल हाइट दे दें दक्षिण में। जब आप दक्षिण में डबल हाइट देते हैं तो ये आपको आगे चल के नुकसान देगा। आप दक्षिण में डबल हाइट नहीं दे सकते हैं, आप नैऋत्य, दक्षिण और अग्नि में डबल हाइट नहीं दे सकते हैं। आपको अगर डबल हाइट देनी है तो आप वायु उत्तर और ईशान में दीजिए, मतलब उत्तर के हिस्से में आप बेशक डबल हाइट दीजिए, लेकिन आप दक्षिण में डबल हाइट नहीं दे सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब फर्ज कर लीजिए कि आपकी जो दक्षिण की दुकान है, हमने जो बात कही है वो इस भावार्थ में बात कही है कि नॉर्थ जो है वो परपेंडिकुलर है, पर फर्ज कर लीजिए कि आपका जो उत्तर दिशा है, आपका जो कंपास है वो पश्चिम की तरफ झुका हुआ है 15 डिग्री 20 डिग्री, तो फिर आपका चौथा पद जो है वो कॉर्नर में चला जाएगा, पूरब की तरफ चला जाएगा। फिर आपको दरवाजा वहीं देना है। और अगर फर्ज कर लो कि आपका उत्तर जो है, नॉर्थ का जो कंपास है वो पूरब की तरफ झुक गया है, मतलब उस तरफ जा रहा है, तो फिर आपका दक्षिण जो है वो पश्चिम की तरफ आ गया, चौथा पद पश्चिम की तरफ आ गया, फिर आपको द्वार इस तरफ देना है। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं, ज्ञानी जी आप तो कहते हैं कि नैऋत्य का जो द्वार होता है वो बड़ा परेशान करता है, पर हमने तो कई ऐसे दुकान देखे हैं जिसमें नैऋत्य का द्वार होता है लेकिन काम तो वो बहुत अच्छा करते हैं, पर हम तो एक अनुमान ही लगाते हैं ना कि ये उत्तर है ये दक्षिण, हमने तो कंपास से देखा ही नहीं। अब वो थोड़ा सा भी तिरछा होता है तो वो कॉर्नर में आ जाता है द्वार, कि जिसको आप नैऋत्य समझते हैं वो उत्तर पूरब की तरफ तिरछा होने की वजह से वो दरअसल चौथे पद का द्वार है। तो कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र के नियम गलत नहीं होते हैं, पर हमारी जो समझ होती है वो गलत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका नॉर्थ चेक करके फिर आप द्वार रखना। कोशिश ये करना कि जब तिरछे प्लॉट होते हैं, तिरछी दुकानें होती हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अपना ध्यान रखें।